वैसे तो उत्तर प्रदेश की ट्रैफिक पुलिस नवंबर महीने को यातायात माह के रूप में मना रही है ताकि यातायात नियमों को सख्ती से लागू किया जा सके, लेकिन यूपी की पुलिस ही इन नियमों की धड़ल्ले से धज्जियां उड़ा रही है और यहां खुलेआम चल रहा है अवैध वसूली का खेल। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आगरा ट्रैफिक पुलिस का मिशन वसूली देखिए, कैमरे में कैद हुआ वसूली का पूरा खेल, वाह रे ट्रैफिक पुलिस। ये तस्वीरें हैं ताज नगरी आगरा के साई की तकिया चौराहे की, जहां ट्रैफिक के नियमों की रक्षा करने वाले पुलिस कर्मी ही नियमों को ताक पर रखकर सरेआम अवैध वसूली का खेल खेल रहे हैं। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों को देखिए, ये महाशय हैं यातायात के नियमों का पाठ पढ़ाने वाले मास्टर साहब, जो खुलेआम यातायात नियमों की अवहेलना करते दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए कि किस तरह ट्रैफिक पुलिस के ये महाशय बिना हेलमेट लगाए दो बाइक सवारों को रोकते हैं। पुलिसकर्मी पहले पीछे वाले शख्स से कुछ बात करता है, इसके कुछ देर बाद ही वो शख्स ट्रैफिक पुलिसकर्मी के दाएं हाथ में कुछ रुपए थमाकर निकल जाता है। इन तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं कि ना यहाँ नियमों का पालन हुआ, ना चालान कटा, बस महाशय की जेब गरम हुई। अभी तक पुलिसकर्मी की नजर हमारे कैमरे पर नहीं पड़ी थी, लेकिन जब पुलिसकर्मी सफेद कमीज पहने इस शख्स से वसूली करते हैं तो इनकी नजर एकाएक हमारे कैमरे पर पड़ती है, और कैमरे का शक होते ही जनाब के चेहरे का रंग तो देखिए। कैमरा देखते ही इनके चेहरे पर किस तरह हवाइयां उड़ रही हैं। ये देखिए, अब ये शख्स इन्हें पैसे देने की लाख कोशिशें कर रहा है, लेकिन ये जनाब अब ईमानदारी के रंग में ऐसे रंगे हैं कि पैसा लेना तो दूर, उसे देखना तक पसंद नहीं कर रहे और हमारे कैमरे से नजर चुराते हुए धीरे से निकल जाते हैं। आगरा से डीवी लाइव के लिए कामरान वारसी की रिपोर्ट।